बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफा, वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ सिंपल टी टाइम के केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स से बनेगा, फटाफट से बन जाएगा। और आजकल क्योंकि शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा खाने को दिल करता है, तो फटाफट से ये सिंपल सा केक बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने दो अंडे ले लिए हैं, दो अंडों से बना रही हूँ। जब भी केक बनाएं तो अंडे आपने पहले से किसी बर्तन में तोड़ के अलग अलग एक एक करके डालना है, ताकि पता लग सके कोई अगर अंडा खराब हो तो बाकी के भी खराब ना हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो अंडे ले लिए हैं। हाफ कप मैं यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी पिसी हुई। तो सिंपल घर वाली चीनी जो है ना, मैंने पीस के रखी होती है, क्योंकि कभी भी दिल किया कुछ बिस्किट वगैरह या इस तरह का टी केक बनाने को, तो फटाफट से फिर मैं बना लेती हूँ, इसलिए चीनी को पहले से पीस के रखती हूँ। दोनों चीज़ों को अगर आपने हैंड बीटर की मदद से कर रहे हैं, अगर आपके पास ये वाला इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो उसकी उसके साथ फिर 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उससे भी ये बहुत ही अच्छा सा बैटर जो है ना बन जाएगा। तो मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर से, तो 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा फ्लफी सा पेस्ट बन जाएगा। दोनों चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे। अगर ऑयल केक में ऐड करना हो तो इसी स्टेज पर मैं करती हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ आज हॉट मिल्क केक। तो दूध में बटर डालूंगी, वो मैं आगे चल के डालूंगी, और ऑयल मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूंगी। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छा सा पेस्ट बना के भी रख लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सारा हमारा ये फ्लफी सा जो है ना बैटर तैयार हो गया है। मैदा मैं इसमें 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ दो अंडों के साथ। तो आप 1 कप के साथ भी दो अंडों का अगर केक बनाए तो वो भी बहुत ही अच्छा सा बनता है। अब यहाँ पर इसकी अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए केक से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, वनीला एसेंस या जो भी एसेंस आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। बटर एसेंस भी मैं डालती हूँ, लेकिन आज मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। तो चलिए जी, अब मैदे को छान लेते हैं। तो छान के मैंने रखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर छानेंगे, बल्कि 2 बार छानेंगे। एक बार मैं अलग बर्तन में और दूसरी बार फिर मैं बाउल के ऊपर ही छान लूँगी। तो जो है ना मेयरिंग कप आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मेरे पास जो मेयर वाला कप है वो मैंने 1 कप लिया है पहले, और फिर 1/2 कप, और फिर जितना मैं मैदा लेती हूँ उतना ही मैं बेकिंग पाउडर लेती हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, नमक जो है ना केक के फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। तो हल्का सा बस नमक आपने डालना होता है, 1 टीस्पून। जितना मैं मैदा लेती हूँ उसी, मतलब 1 कप मैदा लिया है तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नहीं 1.5 कप है तो 1.5 टीस्पून। तो इसी हिसाब से आपने डालना है। अच्छा जी, इसको एक बार मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब दूसरी बार मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ फिर से छानूंगी, ताकि ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो साथ साथ मैं हल्का हल्का सा फिर मिक्स करूँगी। तो अब मैं बीटर की मदद से नहीं करूँगी, अब स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो आगे चल के मैं इसमें केक में गरम दूध डालूंगी, तो उसके साथ फिर ये बैटर जो है ना बिल्कुल जिस तरह से हम केक तैयार करते हैं उस तरह से हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आपको आगे चेक करवाऊँगी। अभी ये थिक हो जाएगा, जैसे ही मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी तो ये भी थिक होगा, लेकिन गरम दूध और बटर मिक्स करके डालेंगे तो वो बहुत ही, एक तो अच्छा सा आपका केक तैयार होगा, दूसरा उससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी और फ्लेवर भी अच्छा सा हो जाता है। तो बाकी का मैदा भी मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से करना है। यहाँ पर वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया था, लेकिन इसको आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। तो ये देखा आपने कि बैटर जो है ना अभी हमारा थिक हो गया है, क्योंकि स्टार्ट में मैं जब चीनी और अंडे डालती हूँ ना, उसके साथ अगर मैं ऑयल या बटर डाल दूँ तो फिर केक बैटर जो है ना हमारा बिल्कुल सही होता है। तो ये क्योंकि दूध वाला बना रही हूँ तो इसलिए 1/2 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 1/2 कप ही लेना है, इसे ज़्यादा नहीं लेना, फिर बैटर जो है ना हमारी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है, आप देसी घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसको डाल के सिर्फ आपने लो फ्लेम पर गरम करना है, अच्छा गरम करना है, हॉट मिल्क जिसको कहते हैं। तो बटर भी इसमें मेल्ट हो जाए, दूध भी अच्छा सा गरम हो जाए।
दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मैंने, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इस गर्म दूध को इसी बैटर में जो मैंने अभी बनाया है इसमें डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स हो जाएगा ठीक है, नहीं तो हैंड विस्कर से करेंगे। इसके बाद फिर जो है ना बीटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए गर्म गर्म दूध था मैंने इसमें डाल दिया, अब हैंड बीटर की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये जो गर्म दूध डालते हैं इससे केक हमारा बहुत ही अच्छा सा फूलता है, और बटर डालने से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से इस बैटर को हम मिक्स कर लेंगे और मैं फिर आपको आगे कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। तो जब भी आप केक बनाने लगे सबसे पहले आप जो है ना अपनी सारी चीज़ें पास रखें, उसके बाद आप अपना जो सांचा होता है उसको रेडी कर लें, तो इस तरह से बेकिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक टेबल स्पून अब मैं इसमें ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, एक टेबल स्पून मैंने बटर डाला है, एक टेबल स्पून ऑयल डाला है। लेकिन आप यकीन करें कि ये केक फिर भी बहुत ही अच्छा सा बनेगा, जिस तरह से बिल्कुल बेकरी से मिलता है ना, वो ना तो इतना उसमें ऑयल या बटर यूज़ किया होता, इसी तरह से उन्होंने बनाया होता और बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। तो मैं बिना ओवन बना रही हूँ, पतीले में बना रही हूँ। तो आप भी अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में बना लीजिए, नहीं तो पतीले में बना रहे हैं तो फिर मैं आपको इसकी टाइमिंग भी बता दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे कलर बहुत ही प्यारा सा लाइट सा हो जाता है। तो ये देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें, इस तरह से रिबन बनना चाहिए जब भी केक बनाएं, तो जो बैटर है ना अच्छा, लाइट बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा साइड पे किया है। ये देखिए इस तरह से इसका रिबन बनना चाहिए। सांचा यहाँ पर मैंने ले लिया है जो ब्रेड या टी केक बनाने वाला होता है, तो नीचे मैंने इसको ऑयलिंग करके बटर पेपर लगा लिया था। तो यहाँ पर आप इसको डाल देते हैं, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो अब मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से टैप कर लेती हूँ ताकि बैटर जो है ना इक्वल हो जाए हमारा। तो पतीले को मैंने 5 से 10 मिनट पहले ही जो है ना लो मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था, स्टैंड रख के उसके अंदर मैंने रख दिया। तो जो पतीले का ढक्कन था ना वो थोड़ा सा लूज़ था, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना तवा रख लिया था उसके ऊपर, और 40 मिनट मैंने इसको बेक किया था। तो यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक्स से चेक की है तो वो बिल्कुल साफ़ आई है। अब मैं इसको निकाल के रैप क्लीनिंग रैप से रैप करके ना 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही रहे और ये केक जो है ना अच्छा सा हमारा सॉफ्ट रहे। उसके बाद फिर मैं इसको मोल्ड से निकाल लूँगी और फिर मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे केक को रखे हुए, और अब आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा केक हमारा बना है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी, जब भी केक ये वाला बेक होता है ना तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं या फिर सुबह नाश्ते में, तो बहुत ही अच्छा सा मज़े का ये केक बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, छोटा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। बहुत सारी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं। तो चलिए जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।